नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले सोखा श्याम बिहारी को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला कैंपियरगंज के ग्राम सरपतहा की। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर मादक पदार्थों, अवैध शराब एवं हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 26 अभियुक्तों के ऊपर की गई कार्रवाई। 9 अभियुक्तों की खोली गई हिस्ट्री सीट। 25 किलो 800 ग्राम गांजा, 160 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद। एसएसपी ने दी जानकारी। सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। एनआई एक्ट के मामलों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में विभिन्न थानों में एक महिला समेत 9 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री सीट। जेल से छूटे अपराधियों पर पुलिस रख रही है नजर। एसएसपी ने दी जानकारी। अगस्त को हत्या की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में कैंट पुलिस ने न्यायालय से अभियुक्त को लिया रिमांड पर। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस व कार किया बरामद, भेजा जेल। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में की गई बढ़ोतरी। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महुई सुघरपुर वार्ड संख्या 65 के अंतर्गत आजाद चौक स्थित हनुमान मंदिर से पटेल चौक तक के सीसी रोड का महापौर ने किया लोकार्पण। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता होगी लाभान्वित। मौसम में परिवर्तन होने से जिला चिकित्सालय में बड़ी मरीजों की संख्या। जिला चिकित्सालय के एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, अपनी सेहत का रखें ध्यान, बाहर के खाना खाने से करें परहेज, समस्या होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर महानगर में लोगों ने स्थापित किया भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। श्रद्धालु पहुंचकर कर रहे हैं दर्शन। 9 सितंबर को होगा विसर्जन। महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के अवसर पर कसौधन सेवा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को किया रवाना। अगले 2 दिनों तक जनपद में होगी छिटपुट वर्षा। बाढ़ को देखते हुए बनाई गई है 80 बाढ़ चौकी। सभी चौकियां हैं अलर्ट पर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को थाना कैंपियरगंज पर ग्राम सरपतहा की 3 महिलाओं द्वारा शिकायत की गई कि एक श्याम बिहारी नामक सोखा, जो उन्हीं के गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा प्रतिदिन सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता है। इस शिकायत पर थाना कैंपियरगंज पर आरोपी श्याम बिहारी पुत्र लालमन निवासी ग्राम सरपतहा टोला बरई थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पुलिस हिरासत में लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज थाना कैंपियरगंज पर ग्राम सरपतहा की 3 महिलाओं द्वारा यह शिकायत की गई कि एक श्याम बिहारी नामक सोखा, जो कि उन्हीं के गांव का रहने वाला है, वो उनको प्रतिदिन रात्रि में 12 बजे बुलाता है और वहाँ कोई नशीला पदार्थ खिला के उनके साथ दुष्कर्म करता है। इस शिकायत पर थाना कैंपियरगंज में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में 6 अभियुक्तों के ऊपर कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि शासन के निर्देश पर 24 अगस्त से 31 अगस्त तक जनपद में अवैध ड्रग्स तथा अवैध शराब पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए गए विशेष अभियान में गोरखपुर पुलिस के विभिन्न थानों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 6 अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई की गई, जिनके पास से 25 किलो 800 ग्राम गांजा लगभग जिसकी कीमत 1,65,575 रुपए तथा अवैध शराब बिक्री करने वाले 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 160 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब जिसकी कीमत 39,575 रुपए है बरामद किया गया। साथ ही अवैध मादक पदार्थ शराब की बिक्री तस्करी तथा अन्य अपराधों में सक्रिय 9 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, निर्देशों के क्रम में विगत एक सप्ताह में मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया है। इसमें विशेष रूप से जो गांजा व्यापारी हैं, इसके साथ साथ जो हुक्का बार चल रहे थे, उनके ऊपर कई कार्रवाइयाँ जनपद गोरखपुर में विगत दिनों में हुई हैं। साथ ही साथ जो इन अपराधों में लिप्त जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके ऊपर जो हमारी कानून में जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें कि हिस्ट्री शीट खोलना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी करके धारा 14(1) के तहत उसको जब्त करना, इन सभी के जो है रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। उनके जो पुराने अपराध हैं, इस समय पर उनकी क्या स्थिति कोर्ट में है, क्या न्यायालय में किस स्टेज पे वो चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी करके जल्द से जल्द उनको सजा कराना, और इस पूरे नेटवर्क में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग इन अपराधियों का सहयोग करते हैं, उनकी जानकारी करके कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा और मादक पदार्थों के खिलाफ जो शासन का जो निर्देश है, शासन की जो मंशा है, उसके अनुरूप ही इसमें और सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 26, 27, 28 व 29 सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 26, 27, 28 व 29 सितंबर को NI एक्ट की धारा के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में NI एक्ट की धारा के अंतर्गत लंबित मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालय में निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये विशेष लोक अदालत माननीय कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 26 सितंबर 2022, 27 सितंबर 2022, 28 सितंबर 2022 व 29 सितंबर 2022 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर गोरखपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाह्य न्यायालय है बांसगांव पर भी जो है संबंधित न्यायालय जो है NI एक्ट धारा 138 के मामलों का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में वादकारी जो हैं वो उक्त तिथियों पर आयोजित NI एक्ट की धारा 138 के संबंध में विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह वार्ता के आधार पर अपने मामलों को निस्तारित कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का उनको एक सुलभ मंच प्रस्तुत कराया जा रहा है। जनपद पुलिस ने विभिन्न थानों की एक महिला समेत 9 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में बीते दिनों में जिन अपराधियों ने एक से ज्यादा अपराध किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है।
उन अपराधियों का हिस्ट्री सीट गैंगस्टर कुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जो कि पेशेवर अपराधी हैं, जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं। उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, जिससे वह भविष्य में अपराध ना कर सके, जिसके लिए थाना अध्यक्ष, हल्का प्रभारी, बिट कांस्टेबल को निर्देश दिया गया है कि कोई अपराधी जेल से छूटा है तो उसके ऊपर नजर रखें, जिससे वह दोबारा अपराध ना कर सके। जिसको देखते हुए 9 अभियुक्तों की हिस्ट्री सीट खोली गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रूर ने कहा, देखिए निरंतर जो पुराने अपराधी हैं, जिनके द्वारा विगत वर्षों में अपराध किए गए हैं, एक से अधिक अपराध किए गए हैं, उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के उपरांत उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, चाहे वो हिस्ट्री शीट खोलना हो, चाहे गैंगस्टर की कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, या अन्य तमाम कार्रवाइयां जो उनके ऊपर होनी है, ताकि जो पेशेवर अपराधी हैं, जो बार बार अपराध कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और भविष्य में अपराध ना कर सकें, इसके लिए हमारे सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। बीट कांस्टेबल से लेकर के बीट पुलिस ऑफिसर, हल्का प्रभारी, थाना अध्यक्ष और सभी जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो जेल से छूट रहे अपराधी उन पर भी नजर रखें और पूर्व में जो अपराध करते हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि दोबारा से पुराना अपराधी जो है वो अपराध ना कर सके। इसी क्रम में 9 लोगों की हिस्ट्री शीट कल इसमें खोली गई है। आने वाले दिनों में भी रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें 9 लोग हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है, जो कि विगत कई सालों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और कई मुकदमे उसके पूर्व से दर्ज हैं, उसका भी रिकॉर्ड निकालकर हिस्ट्री शीट के अलावा अन्य कार्रवाइयां भी की जाए। कैंट थाने की पुलिस ने हत्या की घटना को कारित करने के उद्देश्य से अपहरण के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त को रिमांड पर लेकर सामान बरामद किया, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रामपुर पड़वा में झाड़ियों के बीच से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सचिन यादव पुत्र पूरन प्रसाद यादव निवासी मोहल्ला गिद्धरगंज बाजार कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी ज्वाला निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी सिंगरिया थाना कैंट गोरखपुर द्वारा 5 अगस्त को बीकेश शुक्ला व सचिन यादव पुत्र पूजा प्रसाद यादव निवासी गिद्धरगंज थाना कैंट गोरखपुर, शक्तिधर पुत्र व अन्य दो व्यक्तियों के द्वारा वादी मुकदमा को मारने पीटने व गाली गुत्ता देकर पिस्टल दिखाकर गाड़ी में बैठाकर अपहरण किए जाने की सूचना के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी गौरी बाजार मोहल्ला पालन कुंडा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, अंशुमन गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना कैंट, शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी थाना कैंट को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 18 अगस्त को शक्तिधर सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह निवासी गरबा खंडेश्वर थाना घुगली जनपद महाराजगंज व 20 अगस्त को सचिन यादव पुत्र गुंजा प्रसाद निवासी गिद्धरगंज थाना कैंट गोरखपुर द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया। न्यायालय से आला असलहा बरामद करने के लिए सचिन यादव को रिमांड पर लिया गया। इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सामान को बरामद किया गया, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी अमित चौधरी, सुशील कुमार यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, अखिलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने में बढ़ोतरी की गई है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस देवरिया सदर
4:25 बजे पहुंचकर 4:30 तक, मऊ 6:10 पर पहुंचकर 6:30 तक तथा वाराणसी सिटी 7:50 बजे पहुंचकर 7:55 पर प्रस्थान करेगी। इसके अलावा वाराणसी सिटी लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस देवरिया सदर 9 बजे पहुंचकर 9:05 पर प्रस्थान करेगी। लखनऊ वाराणसी सिटी एक्सप्रेस देवरिया सदर 7:40 बजे पहुंचकर 7:45 पर प्रस्थान करेगी। हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस देवरिया सदर 4:30 बजे पहुंचकर 4:35 पर प्रस्थान करेगी। काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस देवरिया सदर 1:45 पर पहुंचकर 1:50 पर प्रस्थान करेगी। इसी तरह 15 स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे कुछ ट्रेनों में बदलाव हुआ सर, क्या समय? अभी कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों का समय जो स्टॉपेज का था वो 2 मिनट से 5 मिनट किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन थे जहाँ पे पार्सल वगैरह की अनलोडिंग और अनलोडिंग वगैरह होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। 2165 एक ट्रेन है, लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस है ये। इसका स्टॉपेज देवरिया सदर मऊ वाराणसी सिटी में पहले 2 मिनट का था, तीनों जगह पे 5 मिनट किया गया है अप एंड डाउन दोनों में। इसी प्रकार से वाराणसी सिटी लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन का देवरिया सदर में 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। हावड़ा काठगोदाम भाग एक्सप्रेस का भी देवरिया सदर में स्टॉपेज 2 मिनट पहले था, उसको बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। इसी प्रकार से गोरखपुर छपरा, छपरा गोरखपुर का देवरिया सदर में 2 मिनट से 5 मिनट किया गया है। नौतनवा दुर्ग, दुर्ग नौतनवा का भी देवरिया सदर में स्टॉपेज 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। 1:23, 1:33 और 1:34 हावड़ा प्रयागराज रामबाग इस ट्रेन का स्टॉपेज भी बनारस रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट पहले था, उसको बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। इस ये बड़े स्टेशन से प्रमुख स्टेशन से जहां पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग भी होती है और साथ ही साथ यात्री भी ज़्यादा संख्या में आते जाते हैं, तो रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह डिसीजन लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले सोखा श्याम बिहारी को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला कैंपियरगंज के ग्राम सरपतहा की, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर मादक पदार्थों, अवैध शराब एवं हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 26 अभियुक्तों के ऊपर की गई कार्रवाई। 9 अभियुक्तों की खोली गई हिस्ट्री सीट, 25 किलो 800 ग्राम गांजा, 160 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद। SSP ने दी जानकारी। सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। NI एक्ट के मामलों का किया जाएगा निस्तारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में विभिन्न थानों में एक महिला समेत 9 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री सीट, जेल से छूटे अपराधियों पर पुलिस रख रही है नजर, SSP ने दी जानकारी। अगस्त को हत्या की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में कैंट पुलिस ने न्यायालय से अभियुक्त को लिया रिमांड पर। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व कार किया बरामद, भेजा जेल। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में की गई बढ़ोतरी, CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महुई
निवासी सुघरपुर वार्ड संख्या 65 के अंतर्गत आजाद चौक स्थित हनुमान मंदिर से पटेल चौक तक केसीसी रोड का महापौर ने किया लोकार्पण। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता होगी लाभान्वित। मौसम में परिवर्तन होने से जिला चिकित्सालय में बड़ी मरीजों की संख्या। जिला चिकित्सालय के एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, अपनी सेहत का रखे ध्यान, बाहर के खाना खाने से करे परहेज, समस्या होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में करे संपर्क। गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर महानगर में लोगों ने स्थापित किया भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। श्रद्धालु पहुंचकर कर रहे हैं दर्शन। 9 सितंबर को होगा विसर्जन। महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के अवसर पर कसौधन सेवा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को किया रवाना। अगले 2 दिनों तक जनपद में होगी छिटपुट वर्षा। बाढ़ को देखते हुए बनाई गई है 80 बाढ़ चौकी। सभी चौकियां हैं अलर्ट पर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महुई सुघरपुर वार्ड संख्या 65 के अंतर्गत आजाद चौक स्थित हनुमान मंदिर से जवाहर कसौधन के मकान होते हुए पटेल चौक तक 8.85 लाख लागत से सीसी सड़क नगर निगम द्वारा बनाया गया, जिसका लोकार्पण महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। इसके उपरांत कसौधन सेवा समिति के पदाधिकारियों ने महापौर सीताराम जायसवाल एवं भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में महापौर
सीताराम जायसवाल ने बताया कि 8.85 लाख की लागत से आजाद चौक हनुमान मंदिर जवाहर कौशोधन के मकान से पटेल चौक तक सीसी रोड का निर्माण हुआ है। इस सड़क से क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। नगर निगम बोर्ड फंड के द्वारा जनता के सहयोग से 170 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नगर निगम आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, मनोनीत पार्षद मदन लाल अग्रहरी, पार्षद चंद्रप्रकाश सिंह, कौशल किशोर मल, रमेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, भोला अग्रहरी, धर्मेंद्र सिंह सहित कौशोधन समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम मरीज के पुत्र थे हमारे कश्यप, और कश्यप जी को सौंपा गया सृष्टि की रचना करने, इसलिए आज का दिन जो है उन्होंने समझा अखिल भारतीय स्तर पर कि इस तिथि को हम ऋषि पंचमी के रूप में भगवान कश्यप की जयंती के रूप में मनाएंगे और उसी के लिए करेंगे, तो हम अपना परिवार, अपना समाज और अपने देश के लिए भी एक सशक्त भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसा कि सपना हमारे देश से, उसमें हम लोग एक छोटा सा आहुति करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधुओं, इसी के निमित्त जो कुछ हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों से के प्रथम चरण में अपने सम्माननीय बंधुओं को बैज लगाकर स्वागत करेंगे। बैज लगाते हुए महानगर अध्यक्ष कौशोधन समाज द्वारा मोरी सुगरपुर वार्ड नंबर 65 और 60 के अंदर महर्षि कश्यप ऋषि की जयंती पर इस सड़क का नाम महर्षि कश्यप मार्ग घोषित किया गया है नगर निगम में। उसका लोकार्पण के अवसर पर इस क्षेत्र के सभी हमारे नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जन, हमारे महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, स्थानीय पार्षद चंद्रप्रकाश सिंह गोली जी एवं यहाँ पर उपस्थित है। मुझे इस बात की खुशी है कि जोजरी के साथ गोरखपुर की अंदर अंदर गलियों की सड़कें बन गई हैं। वार्ड नंबर 60 और 65 की स्थिति बहुत ही जर्जर थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लिया, हमारे पार्षदों ने संज्ञान में लिया और बड़ी तेजी के साथ इस क्षेत्र में सड़कों का विकास हुआ है और आम नागरिकों को सुविधाएं मिली है। इस अवसर पर मुझे गर्व है कि हम लोगों ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय कश्यप के सम्मान में जनता
मौसम में परिवर्तन को लेकर जिला चिकित्सालय में सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द के अलावा भी अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज अपना इलाज करवाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले के अलावा बदलते मौसम से मरीजों की संख्या में जिला चिकित्सालय में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जिसके संबंध में जिला चिकित्सालय के MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन ने बताया कि जब जब मौसम में बदलाव होता है तो मौसम का असर आम जनता पर पड़ता है और आम जनता अगर किसी प्रकार का खान पान एवं साफ सफाई में लापरवाही करता है तो उसका असर मिलता है। इस समय धूप, हल्की बारिश से अभी ठंड का एहसास हो रहा है। इस समय खांसी जुकाम के मरीज के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी, दस्त के मरीज और खुजली के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से परहेज करें, घर का बना हुआ खाना खाएं तथा सादा भोजन और स्वच्छ जल का प्रयोग करें। वहीं जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पहले से और अब में 500 तक मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा, मौसम में बदलाव हो रहा है, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, ज्यादा किस तरह की बीमारी? जब जब मौसम में बदलाव होता है तब तब मौसम का प्रभाव आम जनता पे पड़ता है, और आम जनता अगर वह कहीं अपने खान पान में और अपने रहन पान में अगर कहीं लापरवाही करती है तो उसका 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 प्रभाव उसको आता मिलता है तो पड़ता है, और नतीजा रहता है कि अभी जो मौसम में बारिश हो रही है, कभी उमस हो जा रहा है, कभी अब धीरे धीरे ठंड का भी आगमन हो रहा है, तो इस कंडीशन में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी, दस्त के मरीज और खुजली के मरीज की संख्या बढ़ी है। जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं वो पेशेंट के साथ साथ इन सब मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, और मरीज आते हैं दूर दराज से आते हैं, शहर से आते हैं, तो हम लोग उन मरीजों को विधिवत एग्जामिन करके, इलाज करके, जांच करा करके भेजते हैं घर पे। फिर ये भी बताते हैं कि भाई आप अपने को कैसे बचाव करेंगे, कैसे रहेंगे, तो पानी को उबाल के पीना, सादा भोजन करना, ठंडी चीज़ें का परहेज न कर रहते न खाना, और उसका जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का कोई चीज़ें को अवॉइड करना, बाहर की चीज़ें, खुली हुई चीज़ें उसको नहीं खाना, ये सारी चीज़ें को अगर ध्यान में रखते हैं मरीज और आम जनता अगर इस पर ध्यान रखती है तो कम से कम बीमार पड़ सकती है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कर रहे हैं भाई, मैं जो भी गोरखपुर वासियों को मैं अपील करता हूं कि भाई आप अपने सेहत पर ध्यान रखिए, और कोविड के रूल्स को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आप बीमार कम पड़ेंगे। हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहां तहां का खाने पीने पर प्रतिबंध लगाइए, मत खाइए, घर का बना हुआ घर का ही खाइए, सादा स्वस्थ भोजन, स्वच्छ जल का उपयोग करिए, और बारिश हो बारिश में न निकलिए, अगर निकलते हैं तो छाता लेकर निकलिए, अगर बारिश से भींग जाते हैं तो घर पे आने के बाद कपड़ा चेंज कर लीजिए, ये सब सावधानी रखिए। अगर कोई तबीयत ख़राब होती है आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श लीजिए और उचित इलाज कराइए,
स्वस्थ रहिए। जी जी, पहले से और अभी कितने मरीज की बढ़ोतरी हुई? पहले से मरीज में बढ़ोतरी करीब हम समझ रहे 500 मरीज से आसपास बढ़ोतरी हुई। पहले 1400-1500 थे, अब हमारे पास चिकित्सक गण आ गए हैं, पीडियाट्रिशियन आ गए हैं, फिजिशियन आ गए हैं, तो उसमें तो बढ़ोतरी हुई है। पीडियाट्रिशियन भी आ गए हैं हमारे पास, तो बढ़ोतरी हुई है सर, करीब 500 के आसपास बढ़ोतरी। ज़्यादातर किस तरह के मरीज आ रहे हैं? छोटे बच्चों में तो सर्दी खांसी बुखार, बड़ों में ऑलमोस्ट यही वायरल इन्फेक्शन का अधिकतर आ रहे हैं मरीज। जनपद में गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर महानगर में विभिन्न जगहों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसके संबंध में मूर्ति स्थापना करने वाले आयोजक राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग 2003 से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल तक घर पर बैठाया गया, लेकिन इस साल भव्य रूप से गणेश पूजा को मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, वह हम सबके दुखों को अपने साथ लेकर जाते हैं। 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजक राहुल कुमार गुप्ता और राम आधार मौर्य ने कहा, राहुल कुमार गुप्ता है, मैं घासी कटरा पंडाल का महामंत्री हूँ। कितने सालों से ये मूर्ति रखी जा रही है? ये मूर्ति 2003 से रखी जाती है, और पहले कुछ सालों में हम लोग महाराष्ट्र से मूर्ति लाए गई, 2 साल कोविड के वजह से मूर्ति को यहाँ ना बैठा के हम लोग महामंत्री जी के संयोजक जी के घर पे बैठाए थे, और फिर 2002 साल के बाद फिर इस मूर्ति को पंडाल में लाया गया। यहाँ हमारे को भीड़ बहुत भयंकर होती है, आपकी हम लोग इसको तिरंगा का रूप दिए हैं, और 75वें सर के वर्ष पे इसमें तिरंगा का हम लोग मौका इनको दिए हैं। विसर्जन दिन हमारे को 9 तारीख को विसर्जन है, शाम को 7 बजे से। मेरा नाम राम आधार मौर्य है, कच्ची बाग काली मंदिर में गणेश पूजा की स्थापना आज 19वां साल है, और यहाँ के श्रद्धालु जो है प्रतिदिन कम से कम 1.5 से 2 हज़ार लोग आते हैं भक्त, और लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं, इसीलिए जो है हमारा 19वां साल है। क्या महत्व है गणेश पूजा का? गणेश पूजा का महत्व हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं, हर कार्यक्रम में हम प्रथम पूजते हैं उनको, चाहे शादी हुआ, विवाह हुआ, या कोई भी कार्यक्रम हुआ तो पहले उन्हीं की पूजा होती है। और मेरा कार्यक्रम है कल 2 तारीख है, कल 56 भोग का कार्यक्रम है, और इसी तरह से 6 तारीख को अपना जागरण का कार्यक्रम है, 4 तारीख को विशाल जागरण है, और 6 तारीख को विशाल भंडारा, हवन पूजन जो है 8 तारीख को है,
अब महाआरती शोभा यात्रा 9 तारीख को। महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव का अवसर पर कौशोधन सेवा समिति के द्वारा मनमोहक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभा यात्रा डोमवा से निकलकर आजाद चौक रुस्तमपुर होते हुए वापस एक निजी लॉन में समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रिटायर प्रवक्ता श्री भगवान गुप्ता ने बताया कि यह शोभा यात्रा महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला जाता है। महर्षि कश्यप इस ब्रह्मांड के रचनाकार थे तथा ब्रह्मा जी के प्रतिभाशाली पुत्र थे। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पर भगवान महर्षि कश्यप जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज ही के दिन उनका जन्म उत्सव कौशोधन सेवा समिति द्वारा मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में जो पिछड़े वंचित हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश और समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, देवेंद्र कौशोधन, भोलेनाथ कौशोधन, प्रमोद कौशोधन, पवन कौशोधन, जनार्दन कौशोधन, पिंकी देवी, सुनीता देवी, डिंपल कौशोधन, मेनका कौशोधन सहित कौशोधन परिवार के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कौशोधन सेवा समिति के अध्यक्ष रामदयाल कौशोधन एवं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रिटायर प्रवक्ता श्री भगवान गुप्ता ने कहा, अवसर पर ये भव्य शोभा यात्रा, ये भव्य शोभा यात्रा कौशोधन सेवा समिति गोरखपुर की तरफ से निकाला जा रहा है। कृपया गति को थोड़ा ग्रहण करें, अच्छा स्थान आ गया है। आज उस सड़क के पूर्व नगर निगम के महापौर आदरणीय श्री सहयोगी नगर निगम में ऋषि मोहन वर्मा जी, उप सभापति नगर निगम गोरखपुर, और मैं गर्व के साथ रहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा नेतृत्व चुना है। इनके फंड से सड़क बना, इनको मैं बहुत बहुत बधाई। इन्होंने जोड़ करके चलते हैं, नेतृत्व करते हैं। भोला राजे जी बाबा शोभा यात्रा ऋषि पंचमी के दिन महर्षि कश्यप ऋषि जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में विशाल झांकी शोभा यात्रा निकाला गया है। यह झांकी शोभा यात्रा बगहा बाबा मंदिर से चल करके रुस्तम आज़ाद चौक होते हुए, नहर रोड होते हुए, बाईपास, उसके बाद रुस्तमपुर ढाला पर वापसी करके दुर्गा चौक होते हुए अरिहंत लाइन में जाएगी, जहाँ सब व्यवस्था है। कितनी भीड़ होगी? 500-600 लोग का भीड़ होगा। श्री भगवान गुप्ता हमारा नाम है, हम MP कॉलेज में रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ। महर्षि कश्यप जी इस ब्रह्मांड के जो है रचनाकार हैं। यह ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के बड़े ही प्रतिभाशाली पुत्र थे। इनकी दो स्त्रियाँ थीं, एक दिति एक अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से राक्षसों मनुष्यों का और देवताओं का जन्म हुआ। आज भाद्र पक्ष का, शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि है, इसी तिथि पर भगवान कश्यप ऋषि का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग इसी तिथि को उनका जन्मोत्सव मानते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे समाज में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको हम आगे बढ़ावें, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, मेल मिलाप के क्षेत्र में, भाईचारा के क्षेत्र में, जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। यही उद्देश्य लेकर के हमारे कौशोधन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रामदयाल जी, उपाध्यक्ष सतीश्वर कौशोधन जी और हम सभी लोग, मैं स्वयं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का प्रवक्ता
अर्थशास्त्र रिटायर्ड हूँ। मैं 9 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में लगा रहा हूँ ताकि देश को सशक्त बनाया जा सके। जो सपना हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखे हैं, उसमें हम भी कुछ याहूत कर सकें, हम भी कुछ अपना योगदान कर सकें, इसलिए हम कसौधन समाज को लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे हम चाहेंगे कि निरंतर हर साल इस तरह का कार्यक्रम होता रहे। जनपद में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट वर्षा होगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष की अपेक्षा जून जुलाई व अगस्त में 50% ही वर्षा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से प्रतिदिन वर्षा हो रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा, उनके फसलों को काफी लाभ होगा। अभी 1-2 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उन्होंने बताया अभी जनपद में बाढ़ की कोई संभावना नहीं है, बाढ़ को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसको देखते हुए बंदों को ठीक करवा दिया गया है। 80 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं, अगर बाढ़ आता भी है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सभी विभाग चौकसी बरत रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष जून जुलाई और अगस्त में जो पूर्व वर्षों में वर्षा होती थी उसका लगभग 50% ही वर्षा हुई है, परंतु अभी कल और कल के पहले भी ठीक ठाक वर्षा हो गई, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा, उनकी जो फसल खड़ी है उसको अत्यधिक लाभ होगा, और अभी इस बात की संभावना है कि आगामी 1-2 दिन तक वर्षा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है? बाढ़ की अभी कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, इसलिए बाढ़ से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बाढ़ को लेकर के जो तैयारियां हैं वो हम लोगों के स्तर पर पूरी हैं, अर्थात बंधे ठीक कर लिए गए हैं, सभी बाढ़ चौकियां क्रियाशील हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, यदि कहीं से पानी आता है और यहाँ पर फैल जाएगा, तो हम लोग बचाव के लिए तत्पर हैं। हमारे यहाँ हमारे जनपद में 80 बाढ़ चौकियाँ हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग जो इससे संबंधित है लगातार चौकसी बरत रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले सोखा श्याम बिहारी को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला कैंपियरगंज के ग्राम सरपतहा की एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर मादक पदार्थों, अवैध शराब एवं हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए जनपद पुलिस द्वारा 24 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाए जा रहे अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 26 अभियुक्तों के ऊपर की गई कार्रवाई, 9 अभियुक्तों की खोली गई हिस्ट्री सीट, 25 किलो 800 ग्राम गांजा, 160 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद। एसएसपी ने दी जानकारी। सितंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। एनआई एक्ट के मामलों का किया जाएगा निस्तारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में विभिन्न थानों में एक महिला समेत 9 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री सीट, जेल से छूटे अपराधियों पर पुलिस रख रही है नजर, एसएसपी ने दी जानकारी। अगस्त को हत्या की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में कैंट पुलिस ने न्यायालय से अभियुक्त को लिया रिमांड पर। घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व कार किया बरामद, भेजा जेल। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में की गई बढ़ोतरी, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महुई सुघरपुर वार्ड संख्या 65 के अंतर्गत आजाद चौक स्थित हनुमान मंदिर से पटेल चौक तक के सीसी रोड का महापौर ने किया लोकार्पण। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता होगी लाभान्वित।
मौसम में परिवर्तन होने से जिला चिकित्सालय में बड़ी मरीजों की संख्या, जिला चिकित्सालय के MD मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, अपनी सेहत का रखें ध्यान, बाहर के खाना खाने से करें परहेज, समस्या होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। गुरुवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न जगहों पर महानगर में लोगों ने स्थापित किया भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, श्रद्धालु पहुंचकर कर रहे हैं दर्शन, 9 सितंबर को होगा विसर्जन। महर्षि कश्यप ऋषि के जन्मोत्सव के अवसर पर कसौधन सेवा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को किया रवाना। अगले 2 दिनों तक जनपद में होगी छिटपुट वर्षा, बाढ़ को देखते हुए बनाई गई है 80 बाढ़ चौकी, सभी चौकियां हैं अलर्ट पर, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।